हेलो फ्रेंड्स, मेरे बताए हुए ये तीन एक्सरसाइजेस फॉलो कर लीजिए, आपके फेस पे नेचुरल ग्लो आ जाएगा। समय से पहले क्या, समय आने पर भी आपके फेस पे बुढ़ापा नहीं झलकेगा। आपकी अनइवन स्किन, पैचीनेस या जो भी आपके फेस पे प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। तीन एक्सरसाइजेस हैं, बहुत आसान है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फॉलो करना भी बहुत आसान है, नेचुरल रेमेडीज भी तो अपनाते हो ना, इतनी महंगी क्रीम्स भी तो यूज करते हैं, फिर भी उसका इफेक्ट टेम्पररी होता है। अगर परमानेंटली अपने फेस की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, अपने फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाइए। परमानेंट सोल्यूशन इज अ बेटर होता है नॉर्मल टेम्पररी सोल्यूशन से, तो प्लीज मुझे फॉलो करिए। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का से कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज है चक्रासन। चक्रासन करना बहुत आसान है, इससे आपकी बॉडी पे, आपका फेस, पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे, साथ ही साथ अगर ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और फेस पे ग्लो भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो एज इट इज मुझे फॉलो करिए। इसके लिए आप ऐसे लेट जाइए, पैरों को अपने हिप्स के साथ सटा के रख लीजिए। आपको अपने हैंड्स साइड पे लेके जाने हैं और अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, बट जितना हो पाए उतना बेटर है, तो भी इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सेकंड होल्ड करिए, देन वापस अपनी पोजीशन में आ जाइए। फ्रेंड्स, आपको सेकेंड आसन करना है सिंहासन। सिंहासन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंस्टेंट बढ़ा देता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसके लिए आपको व्रजासन में बैठ जाना है। इस तरह से आप पैर फोल्ड कर लीजिए, घुटनों के बीच में गैप कर लीजिए, हैंड्स आप आगे रखेंगे, सेम यही पोजीशन होगी, बॉडी को आगे खींच के रखेंगे, अपनी छाती को ऐसे अंदर स्क्वीज करके और कमर को आगे की तरफ ढकाल के आप इस तरह से अपनी जो जीभ है अपनी यहाँ ठोड़ी से टच करने का ट्राई करेंगे। जिन लोगों के फेस बहुत ज्यादा डल हो चुका है, झुर्रियां आ चुकी हैं, पैचीनेस हो चुका है, आंखों के नीचे ढलती जा रही है या स्वेलिंग हो चुकी है, कोई भी फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बहुत इंस्टेंट ग्लो आएगा। लड़के लड़कियां कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको एकदम शेर की तरह आवाज निकालनी है, फ्रेंड्स आपको टंग इसकी बाहर करनी है, अपनी ठोड़ी से टच करने का ट्राई करना है, जितनी जोर से आप छींक सकते हैं, घरा सकते हैं, उतनी तेज आपको गरजना है। उससे आपकी पूरी मसल्स पे स्ट्रेच पड़ेगा, आपकी थायराइड ग्रंथि पे फर्क पड़ेगा। जिनको थायराइड है उनकी यहाँ पे मसल्स को बहुत रिलैक्स मिलता है, थायराइड उनका ठीक होने लगता है अगर वो ये वाली एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। तो आपको पूरा लाउड एक्सप्रेशन देने हैं, मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ पूरा। आपको स्टार्टिंग थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन आप अकेले करिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपको मेरी बताई हुई एक्सरसाइजेस? सिर्फ तीन एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। फर्स्ट चक्रासन आपको करना है, सेकंड आपको सिंहासन करना है और थर्ड आपको अपने गाल्स को, अपने सिक्स को अंदर सक करना है। अगर आप ये तीन एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि समय से पहले कि आपको समय आने पर भी, यानी जब आपकी एज हो जाएगी तो भी आपके फेस पे जवानी बनी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जितना पैचीनेस है वो खत्म हो जाएगा, आपकी जितनी अनइवन स्किन है वो बिल्कुल इवन हो जाएगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, फाइन लाइंस नहीं आएगी। तो प्लीज इन एक्सरसाइज को फॉलो करिए और अपने फेस को ग्लो लेकर आइए नेचुरली। फेशियल ब्लीच मेकअप सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, मैंने भी किया हुआ है, सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। अगर आप फेस पे नेचुरल ग्लो लाना चाहते हैं तो एक्सरसाइजेस करिए, आप नेचुरली भी खूबसूरत दिखेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर बहुत सारा कर दीजिएगा। यार आप लोग शेयर में तक कंजूसी क्यों करते हैं, जब ईशा को इतना प्यार देते हैं लाइव सेशन में तो नेचुरली वीडियोस को भी दिया करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।